आपको बता दें कि जेएनयू हिंसा की आग दिल्ली से लेकर मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद तक फैल गई है। हर जगह यूनिवर्सिटी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं एएमयू में छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जेएनयू में मारपीट का ये वीडियो। पहली तस्वीर, छात्र संघ अध्यक्ष बुरी तरह से घायल हो गए। दूसरी तस्वीर, एम्स में कई छात्रों को भर्ती कराना पड़ा, स्थिति इतनी क्रिटिकल हो गई, तोड़फोड़ के सबूत भी मिले हैं, ये तस्वीरें भी मिली हैं और कई सारी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली में प्रदर्शन की आग चारों तरफ फैल गई। यानी कि पांचवी तस्वीर में दिल्ली में प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, हाथों में मशाल लेकर छात्र जो हैं वो सड़कों पर निकल आए। और छठी तस्वीर, मुंबई में हल्ला बोल, यानी कि देश भर के अंदर अब इस हमले के बाद कोलकाता हो, एएमयू हो, हैदराबाद हो, हर जगह मार्च निकाला जा रहा है। हमारे सहयोगी स्पर्श लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्पर्श, अगर बात अब आज दिल्ली की करें तो वहां पर स्थिति क्या कुछ है, कितनी क्रिटिकल है? देखिए, इस वक्त हम जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हुए हैं। सीधा तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा किए गए बैरिकेटिंग जो है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बाहर जो है यहाँ पर कर रखी है। पुलिस जो है पूरी तरीके से सजग नजर आ रही, क्योंकि कल जिस तरीके का विवाद जो है यहाँ पर जेएनयू कैंपस और हॉस्टल में देखने को मिला था, तो ऐसे में जो है पुलिस ने पूरी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है अब कड़े करे हुए हैं। क्योंकि जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, जेएनयू जो छात्र विंग है या फिर एबीवीपी छात्र विंग की बात की जाए, वो जो दोनों ही कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की जो तैयारी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है कि जेएनयू छात्र संघ की तरफ से जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा सकता है। और उसके अलावा बात की जाए तो एबीवीपी जो है वो भी कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में वो प्रोटेस्ट जो है ज्यादा हिंसक ना हो, किसी तरीके के टकराव की स्थिति पैदा ना हो, इसी को लेकर जो है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर किए गए। जेएनयू के आसपास के जो इलाके हैं उसमें जो है रूट लगाया हुआ है, तमाम तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का चेकिंग की जा रही है, जगह जगह बैरिकेड लगाकर, तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, शांत माहौल बना रहा है, इसी को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। फिलहाल जेएनयू की बात करें स्पष्ट तो। एक जानकारी और चाहेंगे कि जो नकाबपोश गुंडे जिनका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, क्या अभी तक उनकी पहचान हो पाई है या फिर उस प्रक्रिया में कहां तक पहुंची है कार्रवाई? देखिए, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर जो है वसंत कुंज थाने में दर्ज कर लिया प्राथमिक तौर पर, जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस जो है जेएनयू कैंपस के अंदर गई थी। चूंकि दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से इंतजार किया था कि जब तक वाइस चांसलर या फिर जो रजिस्ट्रार है उनकी तरफ से कॉल ना की जाए तब तक जो है जेएनयू कैंपस में ना घुसा जाए, उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से प्राथमिक तौर पर जो है एफआईआर दर्ज की गई, जो स्थिति दिल्ली पुलिस ने जो कैंपस के अंदर घुस के देखी थी उसके आधार पर। और उसके बाद जो जानकारी दिल्ली पुलिस सूत्रों से हमें प्राप्त हुई उसमें जो है कुछ नकाबपोशों की पहचान जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा कर गई है, जिस तरीके से वीडियोस कई वायरल हुई थी, तो उनके आधार पर जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जो है पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने जो है उपद्रव मचाने का काम जो है दिल्ली जो जेएनयू है उसके अंदर किया था। तो ऐसे में जो है गृह मंत्रालय भी उस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए है। लेकिन अगर बात की जाए तो फिलहाल पुलिस सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। क्राइम ब्रांच को जो है वो जो है जांच इसकी सौंप दी गई। क्राइम ब्रांच की 3 टीमें जो है इस मामले को लेकर जो है पूरी तरीके से जांच करने में लगी हुई है। कुछ टीम जो है जेएनयू कैंपस में भी पहुंची है, जो पूरी तरीके से सीसीटीवी जो है उनको खंगाल रही है, जो वायरल जो वीडियोस हो रही थी सोशल मीडिया पर उनको खंगालने का काम किया जा रहा है। उसके साथ साथ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की जो चैट्स है वो भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है खंगालने का काम जो है क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से करती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर दिल्ली पुलिस सूत्रों को यह कहना है कि आने वाले समय में जल्द जो है जिन लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम दिल्ली पुलिस की तरफ से किया है उनको गिरफ्तार की जाएगी। स्पर्श, मैं चाहूंगा जो हमारे दर्शक देर से जुड़े हैं आप उनको दिखाएं कि जेएनयू के बाहर की तस्वीरें कैसी हैं और किस तरह से प्रशासन वहां पर मुस्तैद है और बैरिकेटिंग लगा दी गई है। देखिए, बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के जो चाक चौबंद इंतजाम कहा जा सकता है कि जेएनयू का जो मेन एंट्रेंस गेट है वहां पर जो है पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं। चूंकि दोनों ही जो छात्र दल है उनकी तरफ से जो है प्रोटेस्ट का कॉल यहाँ पर किया गया, जो जानकारी हमें प्राप्त हो रही है, तो उसी के मद्देनजर जो है किसी तरीके की अशांति ना फैले, किसी तरीके की जो सुरक्षा है जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है वहां पर ना फैले, इसी को लेकर जो है पुलिस पूरी तरीके से सजग नजर आ रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बैरिकेडिंग
चेकिंग जो है दोनों ही तरफ जो है जो JNU है उसके की गई है। जो जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक भी जो है सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टरों को जो है आने का जो है जो आने दिया जा रहा है, मतलब मीडिया को आने दिया जा रहा है। इसके आगे जो है पूरी तरीके से जो है क्लोज जो है पुलिस की तरफ से यहाँ पर किया गया है और JNU के अंदर जो है किसी को भी घुसने की इजाज़त नहीं जा रही। जिनके पास आई कार्ड है सिर्फ उन्हीं को जो है JNU के अंदर फिलहाल घुसने दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, ऐसे में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का जो क्लैश है फिर से एक बार जो है छात्रों में देखने को ना मिले, इसी को लेकर जो है पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और पुलिस जो है बैरिकेड लगा के यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कर रही है। स्पष्ट, बिल्कुल देश भर के अंदर से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है। तो ऐसे में अगर बात आज राजधानी दिल्ली की सिर्फ की जाए तो दिल्ली में किन किन जगह पर प्रदर्शन की उम्मीदें हैं और किन किन जगह पर कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले कल जिस तरीके से ये घटना देखने को मिली थी उसके बाद जो है तमाम जो जामिया के स्टूडेंट थे वो जो है पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच गए थे। ऐसे में देर रात जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था। तो ऐसे में इस जो प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था, जो घटना हिंसक घटना जो झड़प कहा जा सकता है छात्रों के बीच में यहाँ JNU यूनिवर्सिटी में होती, उसकी आग जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ना पहुँचे इसको लेकर जो है पूरी तरीके से गृह मंत्रालय जो है अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनसे रिपोर्ट मांग रखी है और उसी को लेकर जो है पूरी तरीके से सजग जो है दिल्ली पुलिस नजर आ रही है। फिलहाल अगर दिल्ली की अगर बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है JNU में इस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कड़ी कर रखी है। उसके अलावा अगर जामिया नगर की बात करें, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का जो इलाका है वहां पर थोड़ी बहुत जरूर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जो है पुलिस की तरफ से किए गए, लेकिन किसी तरीके के प्रदर्शन की जो कॉल है दिल्ली के अलग अलग इलाकों से नहीं मिली है। लेकिन जो फिलहाल अगर JNU की बात की जाए तो JNU में 3 बजे के आसपास जो है कॉल दोनों ही छात्र संघों की तरफ से जो हमें प्राप्त हो रही है जानकारी की, वो दोनों जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करते नजर आ सकते हैं और इसी को लेकर जो है दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से जो है सजग नजर आ रही है और काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है दिल्ली पुलिस ने कर रखी है। स्पष्ट, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें जो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके हाथों में डंडे हैं, तो क्या अभी तक किसी की निशानदेही हो पाई है, किसी की पहचान हो पाई है, पुलिस कर पाई है? देखिए, अभी तक जो है पुलिस आइडेंटिफाई करने का काम कर रही है क्योंकि देर रात जो है ये पूरा घटनाक्रम जो है घटा था JNU परिसर में। उसके बाद जो है पुलिस पूरी तरीके से जो है JNU के अंदर जाने का काम करती है, सैनिटाइज जो है काम करने की कोशिश करती है कि आने वाले समय में किसी तरीके से जो छात्र हैं उन पर जो है दोबारा हिंसक झड़प ना हो। उसके बाद जो है देर रात जो है फ्लैग मार्च भी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है अंदर कैंपस में निकाला जाता है। लेकिन चूंकि अभी तक जो है कई टीमों का गठन किया गया है, ज्वाइंट CP की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है, वो पूरी तरीके से जो अपनी रिपोर्ट को जो है कहीं ना कहीं देखने का काम कर रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है क्राइम ब्रांच को ये पूरी तरीके से जो है जांच की जो है सौंप दी गई है। तो ऐसे में जो तमाम एंगल्स हैं, जो तमाम पहलू हैं, जिसमें वायरल वीडियोस की बात करें जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है या फिर CCTV कैमरों की बात करें, तो इन तमाम पहलुओं को लेकर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है और उसके आधार पर जो है कौन कौन जो लोग आइडेंटिफाई होते हुए नजर आएंगे उनको गिरफ्तारी करने का काम भी जो है दिल्ली पुलिस की तरफ से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी जो है इस मामले पर नहीं हो पाई है। लेकिन उसके उलट अगर बात की जाए दिल्ली पुलिस सोर्सों की, जो हमें पुख्ता जानकारी दे रही है कि कुछ लोगों को जरूर दिल्ली पुलिस की तरफ से आइडेंटिफाई किया जा चुका है, लेकिन पुख्ता जो सबूत इकट्ठे हो जाएंगे उसके आधार पर जो है पूरी तरीके से गिरफ्तारी का काम भी यहां पर किया जाएगा। स्पष्ट, कल की हिंसा के बाद लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो कोई किसी पर। आपने भी तमाम लोगों से बातचीत की होगी, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, वजह क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है इस पूरी हिंसा की? देखिए, बिल्कुल इस मामले पर जो है अब राजनीति भी पूरी तरीके से शुरू होती हुई नजर आ गई है। तमाम पार्टी जो है अपने अपने तरीके से आरोप और प्रत्यारोप जो है एक दूसरे पार्टी पर लगाते हुए नजर आ रही है। चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो सबसे बड़ा आरोप जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर लगाया गया था, खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया उनकी तरफ से जो है कानून व्यवस्था लेकर जो है सवालिया निशान उठाए गए थे। कानून व्यवस्था को लेकर इसलिए सवालिया निशान उठाए गए थे क्योंकि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती है, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आती है। ऐसे में साफ तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना था कि जो छात्र JNU में जो सुरक्षित नहीं है तो वो किस तरीके से जो है देश का भविष्य उज्जवल करते हैं। ये बड़ा सवाल है कि छात्र अगर अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं सुरक्षित है तो फिर आखिर देश का भला कैसे करेंगे। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।